नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय ममास किचन। आज हम बनाएंगे पटैटो चिप्स विद गार्लिक फ्लेवर। ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनते हैं और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, तो आप भी इसे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। सो नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द रेसिपी। सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं और इसमें हम डालते हैं 2 पटैटोज, एक स्मॉल साइज का है और एक मीडियम साइज का है। और ये ड्राई बॉइल्ड पटैटोज है, इसे हमने बॉइल करके फ्रिज में रख दिया था फॉर 2 आवर्स। और अब हम इसे हाथ से ऐसे रफली मैश कर देते हैं। तो रफली मैश होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। अब हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। अभी हमने इधर 1/2 कप राइस फ्लावर लिया है, पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करते टाइम पटैटोस को भी मैश करते जाएंगे इस तरह से। तो हमें राइस फ्लावर उतना ही डालना है, मतलब जिससे कि ये बाइंड हो जाए अच्छे से। तो देखिए इस तरह हमारा डो बन चुका है। अब इस टाइम पे हम इसे 2-3 मिनट्स और नीड करेंगे। तो ये देखिए हमारा डो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हमने 2.5 टेबलस्पून जो राइस फ्लावर है वो नहीं डाला है, तो ये हमारा रेडी है। तो हमने अभी लिया है चकला, उसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर स्प्रिंकल कर देंगे और इसका जो डो है उसका 1/2 पोर्शन लेंगे, ऐसे मसलेंगे उसको। अभी हम एक रोलिंग पिन की मदद से इसे अच्छे से बेल लेते हैं और हमें इसे एकदम पतला बेलना है। तो ये देखिए हमें इस तरह से एकदम पतला बेलना है। और अभी एक कटर लेके या ऐसे कोई बर्तन लेके उस पर थोड़ा सा राइस फ्लावर लगा के इसे कट करना है इस तरह से। इस तरह से हम सभी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे कितने अच्छे से एकदम पतला बेला है, हमें इस तरह से पतले वेफर्स चाहिए। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं फॉर 1/2 आवर। तो ये देखिए आफ्टर 1/2 आवर ये ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो हमने एक पैन में ऑयल रख दिया है, ये ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ये वेफर्स ड्रॉप कर देंगे। अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे होने देते हैं। ये याद रखिए ये चिप्स आपके जितने पतले होंगे उतने ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और बीच बीच में एक स्पून की मदद से आप इसे पलटते रहिए।
से देखिए हमारे पोटैटो चिप्स रेडी है, इसे हम सर्व करते हैं। Our potato chips with garlic flavor is ready. If you liked our recipe, do give this video a thumbs up and subscribe to our channel for more such amazing recipes. We'll meet you next time. Till then, bye-bye and take care.